जय मसीह की प्यारे भाई और बहनों, स्वागत है आपका हमारे दूसरे थिस्सलुनीकियों के अध्ययन में। हम दूसरे थिस्सलुनीकियों के दूसरे अध्याय में हैं। आज चौथा दिन है। आज हम पद 9 से 12 को देखेंगे। आपके लिए पढ़कर सुनाता हूँ। उस अधर्मी मतलब पाप का पुरुष, व्यवस्थाहीनता का व्यक्ति का आना शैतान के कार्य के अनुसार सब प्रकार की झूठी सामर्थ और चिन्ह और अद्भुत काम के साथ और नाश होने वाले के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया जिससे उनका उद्धार होता। इसी कारण परमेश्वर ने उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। इन पदों के बीच में जो सबसे महत्वपूर्ण शब्द है वो है नाश। हम पिछले दो दिनों से पाप के पुरुष, व्यवस्थाहीनता के व्यक्ति के बारे में बात कर रहे थे और यह पद उस व्यक्ति के प्रभाव के बारे में बात कर रहे हैं, उन लोगों के ऊपर जिन्होंने यीशु मसीह को मानने से इंकार किया है। इजी टू रीड अनुवाद में लिखा है सर्वनाश, पूरी तरह से नाश। जब हम प्रभु यीशु को नहीं जानते थे तब हम भी उसी सर्वनाश की ओर जा रहे थे, पर जो विश्वास करते हैं, उद्धार पाए हैं, वे चुने हुए हैं, उनके बारे में हम कल बात करेंगे। आज यह पद, इन पदों में हम बात कर रहे हैं उनके बारे में जो सर्वनाश की ओर बढ़ रहे हैं। कौन है वे लोग? पौलुस बता रहा है यह वे लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर के काम को, उसके संदेश को अस्वीकार किया है, और वो लोग शैतान के संदेश और उसके काम की तरफ आकर्षित हुए हैं। यहाँ लिखा है व्यवस्थाहीन अधर्मी पाप का पुरुष आएगा, वो शैतान की सामर्थ के साथ आएगा और वह झूठी सामर्थ का प्रदर्शन करेगा, चिन्ह दिखाएगा और अद्भुत काम करेगा, चमत्कार करेगा। जी हाँ, शैतान के पास चमत्कार करने की ताकत है और इससे वह लोगों को भ्रमित करता है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और जो लोग सत्य से प्रेम नहीं करते बस इन चमत्कारों को देखकर सामर्थ के चिन्हों के माया जाल में फंसकर धोखे में आ जाते हैं और इन्हीं के पीछे हो लेते हैं। यह हमें कई प्रकार के बाबाओं के साथ आज की तारीख में साफ तौर से देखने को मिलता है। लाखों की भीड़ उन लोगों के पीछे चलती है, उनका अनुसरण करती है, पर सच्चाई तो यह है यह लोगों को छल रहे होते हैं, पर इनके छलावे में वही आते हैं जो सत्य से प्रेम नहीं करते, उस सत्य से जिससे उनका उद्धार हो सकता है, परमेश्वर के प्रेम का सत्य, यीशु के क्रूस का सत्य, उनके पुनः जीवित होने का सत्य, उसके वापस आने की आशा का सत्य। यह जो अधर्मी सामर्थ्य व्यवस्थाहीनता का व्यक्ति आएगा वह अपने चमत्कारों से लोगों को धोखा देगा, पर मेरे को और आपको धोखा खाने की आवश्यकता नहीं है। इस अध्याय की शुरुआत में पद 3 में पौलुस ने कहा था धोखा मत खाना। हम धोखा खाने वाले नहीं है क्योंकि हमने सत्य से प्रेम किया है, पर वे लोग अवश्य धोखा खाएंगे जिन्होंने उसके उद्धार को नहीं स्वीकारा, जिनके लिए मनुष्य द्वारा बनाए झूठे धर्म, झूठे नियम वही प्रिय थे, जिनको अपने ऊपर अहंकार है। अगर आप सत्य को स्वीकार करते हो तो झूठ आपको, आप खुद ब खुद अपना रहे हो। अगर आप परमेश्वर के उद्धार को नहीं मानते तो आप विनाश को ही अपनी नियति बना रहे हो, क्योंकि सत्य सत्य होता है, वह एकमात्र सत्य होता है और बाकी सब कुछ झूठ होता है। और जो लोग सत्य को नहीं मानते वो झूठ में आसानी से फंस जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, और जितना अधिक वो झूठ में फंसते हैं उतना अधिक वे परमेश्वर से और अधिक दूर होते जाते हैं, उतना ही अधिक वो परमेश्वर से और उसके वचन से घृणा करने लगते हैं। किसका नाश होगा, कौन अनंत जीवन में पाएगा, यह उनके चुनाव पर निर्भर करता है। क्या वो यीशु के सत्य से प्रेम करेंगे या फिर संसार के धर्मों से, अपने स्वार्थ से, अहंकार से। अब पद 11 और 12 हमें थोड़ा सा उलझन में डाल सकता है। लिखा है इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा कि वे झूठ की प्रतीति करें, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वरन अधर्म से प्रसन्न होते हैं वे सब दंड पाएं। परमेश्वर उस भटका देने वाले सामर्थ को भेजेगा, परमेश्वर भेजेंगे। परमेश्वर भला क्यों चाहेंगे कि कोई भी भटके? ऊपर ऊपर से तो इस पद से ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर ने पहले से ही मन बना लिया है उन लोगों को भटकाने का, उनको नरक भेजने का। वही है जो भटका कर इन लोगों से झूठ की प्रतीति करवा रहा है। यह कैसे संभव है, क्योंकि बाइबल में यह भी लिखा है कि परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नाश हो। देखिए, इस संसार में शैतान भी अपना काम परमेश्वर के अनुमति के बिना नहीं कर सकता।
मनुष्य को जो भी परमेश्वर ने यह शक्ति दी है कि वह अपना चुनाव कर सके, पर बिना विकल्प के चुनाव की शक्ति का कोई अर्थ नहीं होता। इसलिए परमेश्वर बुराई से घृणा करते हुए भी उसे अनुमति देता है, जिससे हमारे पास विकल्प रहे। जो खुद से अपनी इच्छा से परमेश्वर के प्रेम को चुनते हैं, वही होते हैं असली परमेश्वर से प्रेम करने वाले। वे लोग उसके अनुग्रह के पात्र बनते हैं, और जो उसके प्रेम को नकारते हैं, उसके सत्य को नकारते हैं, वे उसके क्रोध के पात्र बन जाते हैं। देखिए, इस संसार से जो झूठ और बुराई काम करती है, वो सब पर प्रभाव डालती है, विश्वासी और अविश्वासी दोनों पर, पर उसका परिणाम अलग अलग होता है। ऐसा नहीं है कि एक सच्चा यीशु विश्वासी धोखा नहीं खा सकता, पर यह भी उसे परमेश्वर के और निकट जाने में मदद करता है। एक व्यक्तिगत उदाहरण देकर मैं आपको समझाता हूँ। सबकी तरह मेरी भी आवश्यकताएं हैं, और कोरोना काल में तो ये आवश्यकताएं और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। इस बीच मैं एक लुभावनी पर एक झूठी धोखा देने वाले काम में, एक स्कीम में फंस गया, और इससे मेरा तो नुकसान हुआ ही, परंतु मेरे साथ साथ मैंने कई लोगों का भी नुकसान करवा दिया। मैं काफ़ी परेशानी में आ गया, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, मानसिक रूप से। पर इस परिस्थिति से मेरे हृदय की अवस्था, उसकी प्राथमिकता मेरे सामने आ गई, मेरे को समझ में आ गई। मैं समझ गया कि मैं धोखा इसलिए खा गया क्योंकि मैंने अपनी आवश्यकताओं को लेकर परमेश्वर पर भरोसा नहीं किया था, मैंने एक झूठ पर भरोसा कर लिया था। और इसका परिणाम क्या हुआ कि मैं परमेश्वर के और निकट आ गया, मैंने उस पर और अधिक भरोसा करना शुरू किया और निर्भर रहना शुरू किया, परमेश्वर का वचन और गहराई से पढ़ना शुरू किया, और परमेश्वर ने अपनी विश्वास योग्यता का परिचय दिया और अधिक वो मेरे निकट आया। परंतु इसके दूसरी तरफ दूसरे लोगों ने, जिनको परमेश्वर के सत्य से प्रेम नहीं था, उन्होंने अपने लालच और स्वार्थ को अपने नुकसान के लिए कभी भी दोष नहीं दिया। उन्होंने मेरे को दोष दिया, दूसरों को दोष दिया, यहाँ तक कि परमेश्वर को दोष दिया। इसमें तो कुछ ऐसे भी थे जो खुद को मसीही बोलते थे, ईसाई बोलते थे। उन लोगों में कड़वाहट भर गई। कुछ तो अपने नुकसान की भरपाई के लिए अपनी ठगी की स्कीम बनाने में लग गए। ऐसे कई लोग हैं जिनको जब मैंने सुसमाचार बताया, उनको यीशु ने जो परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताया, अधिकतर समय उनकी आपत्ति यही होती है कि यदि परमेश्वर प्रेम करता तो उनके जीवन में फला फला परिस्थितियां, फला फला समस्याएं नहीं होती। ये लोग कभी अपने दायित्व को नहीं स्वीकारते। इन्हें कोई चाहिए जिस पर वो दोष मर सके। इन्हें परमेश्वर की मदद से खुद को नहीं बदलना, इन लोगों को बस चमत्कार चाहिए, और इसलिए परमेश्वर के सत्य को नकारते हैं और झूठे चमत्कारों के मोह के जाल में आसानी से फंस जाते हैं, अच्छी अच्छी चिकनी चुपड़ी बातों में फंस जाते हैं। और जैसे जैसे समय बीत रहा है, यह झूठ की शक्ति और भी अधिक प्रबल हो रही है, और अंत में परमेश्वर इस सामर्थ को इतना प्रबल होने देंगे कि एक अंतिम बार लोगों के चुनाव की पुष्टि हो जाए, और तब बुराई को तो वो नष्ट करेगा, पर उनके साथ वे भी नष्ट हो जाएंगे जिन्होंने अपने दायित्व को, अपने पाप की अवस्था को नहीं स्वीकारा, जीवन में परमेश्वर की जरूरत को, उसके उद्धार की जरूरत को नहीं स्वीकारा, पर अहंकार में झूठ से प्रेम करते रहे। और परमेश्वर यह होने दे रहा है जिससे लोगों द्वारा उनके चुनाव की पुष्टि हो जाए और वे लोग अपने चुनाव के अनुसार अपनी नियति तक पहुंच जाए। इस तरह से एक ओर परमेश्वर अपने संप्रभुता की रक्षा करता है, साथ ही उसके द्वारा दी गई मनुष्य की स्वतंत्रता, जो स्वतंत्र इच्छा उसने दी है, उसका भी मान रखता है। कुछ लोग सोचते हैं कि लोग जब नरक के द्वार पर खड़े होंगे तो वह पश्चाताप से भरे हुए होंगे, परमेश्वर दया की गुहार लगा रहे होंगे, क्षमा मांग रहे होंगे, पर फिर भी परमेश्वर उन्हें नरक में धकेल देगा। पर बाइबल इसकी पुष्टि नहीं करती। जो लोग नरक जा रहे हैं, उनके हृदय परमेश्वर से घृणा करते करते इतने अधिक कठोर हो चुके होंगे कि वे उस समय भी परमेश्वर को अस्वीकार करते हुए ही नरक जाएंगे, क्योंकि अगर उन्होंने सत्य को प्रेम किया होता तो अपने जीवन काल में ही अपने पाप और दायित्व को स्वीकारते हुए परमेश्वर के प्रेम, अनुग्रह, उद्धार को स्वीकार कर लिया होता। पर अधिकतर लोग यीशु के उद्धार को स्वीकार इसलिए नहीं करते क्योंकि उन्हें अपने पाप से, अपने स्वार्थ से और अपनी दुर्बलताओं से अधिक प्रेम होता है, उन्हें अपने जो वो कर रहे हैं अभी उससे अधिक प्रेम होता है,
जो मनुष्य के बनाए हुए धर्म है उससे अधिक प्रेम होता है। वे शराब पीना नहीं छोड़ना चाहते, वे सिगरेट पीना नहीं छोड़ना चाहते, झूठ बोलना नहीं छोड़ना चाहते, परस्त्री गमन करना नहीं छोड़ना चाहते, रिश्वत लेना नहीं छोड़ना चाहते, ऐसे तमाम बुराइयों को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि उद्धार से अधिक, अनंत काल से अधिक वो इन सब में आनंदित होते हैं। परमेश्वर की उनको स्पष्ट चेतावनी है, पर फिर भी वे लोग उस चेतावनी को अनसुना करते हैं। मैं जानता हूं कि यह कुछ कठिन है, यह पद कुछ हद तक कठिन है, पूरी तरह समझने में इन्हें दिक्कत आती है, पर धन्यवाद देता हूं कि यह स्पष्ट है कि यीशु ने मुझे प्रेम किया है, आपको प्रेम किया है, और रोज इसकी समझ बढ़ती ही जाती है। धन्यवाद देता हूं कि उसके साथ हम अनंत काल के रिश्ते में बंध कर रह सकते हैं, और यह जो पद है उनके बारे में जो सर्वनाश की तरफ बढ़ रहे हैं। परमेश्वर किसी का अंत नहीं चाहते, वह चाहते हैं कि कोई भी कोई जब सब कोई उसके पुत्र यीशु मसीह को जाने, और जो यीशु मसीह में है उसके लिए कोई दंड की आज्ञा नहीं है। पर फिर भी अगर आपको इस बात को लेकर आश्वासन नहीं है तो आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा। पवित्र आत्मा, जिनको भी अपने उद्धार का आश्वासन नहीं है, वो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं पर फिर भी उन्हें आश्वासन नहीं है, उन्हें विनाश से डर लगता है, उनके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनके हृदय को टटोल। क्या है जिसके वजह से वो विश्वास कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्हें यीशु से सिर्फ चमत्कार चाहिए, चंगाई चाहिए, छुटकारा चाहिए, बस आवश्यकताओं को पूरा करना है, या फिर इसके लिए क्योंकि उन्हें उद्धार की सत्यता पर, परमेश्वर की सत्यता से प्रेम है, उनके हृदय में सच्चाई की, अपने पाप की, गलतियों की, दुर्बलताओं की प्रतीति करा, वे लोग दायित्व ले और खुद को बदलने में तेरी मदद लें, चाहे कि तू उन्हें बदले, वे लोग यीशु तेरे पर विश्वास, तेरे पर भरोसा उनका बढ़ता रहे, तेरे प्रेम की प्रतीति हो उनके हृदय में और वो तेरे में आनंद ले, और उनके हृदय में तेरी आशा का आश्वासन जागे। यीशु, तेरे नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। कल हमसे पक्के से जुड़िएगा। कल हम दूसरे थिसलोनिकियों के दूसरे अध्याय के पद 13 से 17 को, अंतिम पदों को देखेंगे, जो इस पूरे अध्याय को एक सूत्र में बांध देते हैं। परमेश्वर की महिमा हो।